अस्सलामु अलैकुम। तमाम डीलर हजरात जो मुल्क के दूरों दराज इलाकों से सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं और जो मेहमानान गरामी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस को, जो कि एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ साथ डीलर्स की हौसला अफजाई के लिए हमने एक इनामी स्कीम भी मुतारफ़ कराई हुई थी, तो उसका लकी ड्रा भी है। तो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को आपने कामयाब किया। आपका रिस्पांस मुझे आपकी तालियों से पता चलेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। रचना एग्री बिजनेस किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो रचना से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मैं चंद मुख्तसर बातें वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए आपसे शेयर करूँगा कि रचना एग्री बिजनेस ने अपना ये सफ़र आज से 30 साल पहले शुरू किया और आज हम इसका 30 साल सेलिब्रेशन भी यहाँ पर एक एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस के थ्रू मना रहे हैं। तो रचना एग्री बिजनेस 30 साल पहले क्या थी और आज रचना एग्री बिजनेस कहाँ पर मौजूद है, वो आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो रचना एग्री बिजनेस का ये एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इसको कामयाब बना के और यहाँ पर शिरकत करके उसका हमें रिवार्ड दे रहे हैं। रचना एग्री बिजनेस ने जब ये अपना सफ़र शुरू किया तो बहुत सारे मसाइल सामने थे। बहुत सारे लोग जो कि अबाव अजदाद से इस काम को लेकर चल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। तो इसके पीछे एक सोच कार फरमा थी, वो हमारे सीईओ इस कंपनी के ऑनर मोहम्मद आसिम भट्ट साहब की थी कि यार काम ऐसा करना है कि लोग आपको देखकर आपके पीछे चलें, हमें ऐसा नहीं करना कि हम लोगों को फॉलो करें। तो ऐसी समत, ऐसी डायरेक्शन लेकर चलनी है कि लोग हमारे पीछे चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क में रचना एग्री बिजनेस अपने ब्रांड्स के साथ, अपने विजन के साथ सबसे आगे मौजूद है। रचना एग्री बिजनेस, रचना सीड कंपनी एक प्रॉपर सीड बेस्ड कंपनी है। जैसा कि हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने आपको बताया कि हमारा एक रिसर्च का प्रॉपर सिस्टम है, रिसर्च के बाद हम एडाप्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं और जब वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं तो वो उसके रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रचना एग्री बिजनेस हर सेगमेंट में अपना मकाम बनाती चली जा रही है। तो मोहम्मद आसिम भट्ट साहब की जो शख्सियत है, जो उनका विजन है, वो हमारे लिए एक डायरेक्शन है और हम बिल्कुल उसी समत पर चल रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 4 ब्रांड्स मौजूद हैं जिन ब्रांड्स को लेकर हम मार्केट में आपको सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हीं ब्रांड्स के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर से बेहतर बिजनेस करते चले जा रहे हैं। रचना ब्रांड हम दे रहे हैं, बिरकल ब्रांड दे रहे हैं, एरो ब्रांड दे रहे हैं और माली ब्रांड दे रहे हैं। ये चारों ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह मार्केट में बना चुके हैं। रचना एग्री बिजनेस के पास एक मुकम्मल रेंज मौजूद है। हमारे जितने भी डीलर हजरात यहां पर मौजूद हैं उनको रचना एग्री बिजनेस पूरा साल बिजनेस करने का मौका फराहम करती है। कोई सेगमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जो हमारे पास ना हो, जो रचना एग्री बिजनेस के पास ना हो। रचना एग्री बिजनेस आपको तमाम सेगमेंट्स के सीड प्रोवाइड कर रही है और आपको बेहतर मुनाफा कमाने के लिए बेहतर पॉलिसीज आपको दे रही है।
जिसकी जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़ायद लोग मौजूद हैं और तकरीबन हम 1 करोड़ रुपए के इनामात यहाँ पर तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि रचना एग्री बिजनेस आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सिक्योर करती है, रचना एग्री बिजनेस आपको एतमाद फराहम करती है कि आप रचना एग्री बिजनेस पर एतमाद कर सकते हैं। ये एक बिजनेस आपको ऐसा मौका बिजनेस का फराहम करती है कि आप बेहतर से बेहतर मुनाफा कमा सकें। हमारा मिशन डीलर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करना है, हमारा मिशन आपको अपॉर्चुनिटीज आपको मौके देना है कि आप बेहतर से बेहतर बिजनेस करें और अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट को मजीद सिक्योर करें। ऐसी पॉलिसीज़ को अनाउंस करना है कि जिसको देखकर आप फार्मर को बेहतर चीज़ भी दें और अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर करें। इसके साथ साथ हम आपको राउंड द ईयर पूरा साल का अहाता करके हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप लेकर अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं। तो बिजनेस जितने भी यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं उनका रचना एग्री बिजनेस पर एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट सिर्फ इसी वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका जो पैसा है, जो आपकी आप रचना पर एतमाद करके जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपका मुकम्मल तौर पर सिक्योर होता है। रचना एग्री बिजनेस सिर्फ सीड में ही नहीं बल्कि रचना एग्री बिजनेस अब एक कदम आगे बढ़ रही है और इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि रचना एग्री बिजनेस अब मजीद फर्टिलाइज़र और एग्रोकेमिकल की तरफ का कदम बढ़ा रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यानी कि इसी साल रवां साल में हम फर्टिलाइज़र्स रचना एग्रोकेमिकल भी अनाउंस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये जो सेगमेंट रचना एग्री बिजनेस ने खाली छोड़ा हुआ था इंशाल्लाह इसको भी हम फिल करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको सीड्स के साथ साथ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की रेंज भी आपके सामने होंगी और आप रचना एग्री बिजनेस की पॉलिसीज से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ रचना एग्री बिजनेस ने अपनी टीम को भी एक्सपेंड किया है। एक रिवायती अंदाज में जैसे काम लोग करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा सा हटकर काम कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क में हमने सेल्स टीम का जाल बिछा दिया है, सेल्स टीम के अंडर में हमने फील्ड ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं ताकि एंड यूज़र से डिमांड पैदा करके और आपको सहूलत फराहम की जाए कि ताकि आपका बिज़नेस इम्प्रूव हो। तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस इम्प्रूव होगा आपका मज़ीद एतमाद रचना एग्री बिज़नेस पर बढ़ेगा। आज जो ये हम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारी एक प्लानिंग है, हम एक ऐसी पॉलिसी आपको देने जा रहे हैं इस साल और उसका अनाउंसमेंट मैं अभी कुछ ही देर में करूँगा कि हम आपको एक ऐसी पॉलिसी देने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो हम मुल्क से बाहर करेंगे। आज जो हमारे डीलर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह वो उस पॉलिसी के तहत मुल्क से बाहर इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम लोग मेरा ख्याल है कि मेरा साथ देंगे कि चलेंगे ना सब के सब, जो चलेंगे वो तालियां बजाएं। तो बिजनेस प्लान 2020 हम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो आप तक ये पॉलिसी लेकर पहुंचेंगे, आपकी शॉप्स पर आएंगे, आपके पास बैठकर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉलिसीज हैं बिजनेस प्लान जो हमारा है 2020, मेरी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग बिजनेस प्लान 2020 को ज़रूर स्टडी करें और उसको अवेल करने की कोशिश करें ताकि जो मेला हमने यहाँ पर जमा किया है इंशाल्लाह वो बैरून मुल्क दुबई मलेशिया वो बाद में हम डेस्टिनेशन वेन्यूज़ का सेट कर लेंगे तो वो वहाँ पर हम उसमें उसको अचीव करें उस पॉलिसी को और फिर हम एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर मुल्क चले जाएं। तो ये पॉलिसी इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में हमारे नुमाइंदगान आपके पास लेकर आ जाएंगे। इसमें कुछ स्लैब्स बने हुए हैं, उन स्लैब्स को आप लाजमी अचीव करें और ये बिजनेस प्लान 2020 को ज़रूर अवेल करें। इसके साथ साथ
रचना एग्री बिजनेस ना सिर्फ सीड बिजनेस और इसकी तरफ हमारा रुझान है, इसके साथ साथ हमारे जो सीईओ हैं वो उनका एक हमदर्दी वाला पोर्शन उनके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने चैरिटी के भी बहुत सारे सिस्टम लॉन्च किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रचना के तहत पूरे साल के लिए एक दस्तरखान लगाया जाता है, जहां पर दो टाइम का खाना जो गुरबा हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं जो के पैसा खर्च करके खाना नहीं खा सकते, उनके लिए एक फलाही सिस्टम शुरू किया हुआ है कि वहां पर वो डेली दो टाइम का खाना वहां पर आकर खा सकते हैं। और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि वो खैरात का खाना खाएं, बल्कि एक मुख्तसर सी कॉस्ट उस पर लगा दी गई है ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो उसके लिए हमने 10 रुपये का सिस्टम रखा हुआ है कि जो 10 रुपये दे और वो वहाँ पर खाना खा ले, जिसके पास नहीं होते वो भी खा लेता है, लेकिन कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खाना घर जो है ये गुजरांवाला में वो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से और बेहतरीन इंतज़ाम के साथ चल रहा है और वहाँ पर बाइज्जत तरीके से लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रचना एग्री बिजनेस के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रचना एग्री बिजनेस फंड कर रही है, वो हेल्थ से रिलेटेड हैं कि वहाँ पर जो बीमार हजरात हैं उनको फ्री में इलाज मुआलजे की सहूलतें भी रचना एग्री बिजनेस से फराहम की जा रही हैं। और इसके साथ साथ अब क्योंकि एक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का भी मर्ज़ काफ़ी बढ़ गया, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रचना एग्री बिजनेस ने एक लीवर क्लिनिक भी अपना खोला है और एक मुकम्मल हॉस्पिटल है और उसमें जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं, उनको उसका इलाज की सहूलतें उनको फराहम की जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रचना, इसके साथ साथ साफ पानी के प्रोजेक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहे हैं कि जिससे लोगों को साफ पानी पीने के लिए फराहम किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रचना एग्री बिजनेस ना सिर्फ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को फ़रोग का काम कर रही है, इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस पार्टनर्स को बेहतर मौके फराहम कर रही है कि वो बेहतर से बेहतर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएं और अच्छा बिजनेस करके और अपना प्रॉफिट सिक्योर करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रचना के लिए एक बैठे बैठे ऐसी जहन में आ गई थी बात के चलें शेर की सूरत में उसके आपके सामने पेश करता हूँ। किसी ने कोई शेर कहा था, मैंने उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, तो उसमें यूँ है कि मुल्क के हाइब्रिड सीड, जो मुल्क है ना ये हाइब्रिड सीड की दुनिया है, इसकी शाही रचना तुम्हें मुबारक। हाइब्रिड सीड की दुनिया की जो शाही है, ए रचना तुझे मुबारक, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस समत हम रचना एग्री बिजनेस के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं वहाँ सिक्के बिठा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड राइस हो, हाइब्रिड मेज़ हो या वेजिटेबल सीड्स हों, अल्हम्दुलिल्लाह रचना अपनी मिसाल आप है। और मैं आप सबका फिर एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। एज अ बिजनेस मैनेजर रचना एग्री बिजनेस, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तमाम सेल्स टीम का जिन्होंने कई दिनों से अनथक मेहनत की है और इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं कई कई रातों से सोए नहीं हैं और आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों का ये जो एक प्रोग्राम है इसको सजाने के लिए, ख़ास तौर पे मुजफ्फर सईद साहब हमारे फाइनेंस मैनेजर हैं और हैं वो फाइनेंस मैनेजर लेकिन वो काम यहाँ पर ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि मकसद कोई इवेंट मैनेजर काम कर रहा है, तो उनकी कोशिशें और उनके साथ हमारे सेल्स स्टाफ जो हेड ऑफिस में मौजूद होता है, इसके साथ जो पूरी सेल्स टीम है रचना की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत दिन रात कोशिश करके और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है, तो मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।